काम बाहर हम सब जाके करते हैं, वहाँ पर लात मुक्का भूसा सब खाना पड़ता है हम सब। लोग उससे आएंगे परिवार को छोड़ के, सबको मार खाना पड़ता है। तमिलनाडु में क्या मारा नहीं है, बिहार आदमी को सबको मारा है। लोक आस्था का महापर्व छठ की समाप्ति होने के बाद जो लोग पटना या यूं कहें बिहार के अन्य जिलों में पहुंचे थे, अब वह जहां काम करते हैं उस ओर निकल चुके हैं। देखिए दरअसल पटना स्टेशन पे पहुंचे हैं और पटना स्टेशन पे एक ट्रेन लगी है जो एर्नाकुलम की जाएगी, जनरल बोगी है। और देखिए जनरल बोगी में किस कदर जो लोग हैं वो बैठे हैं और बाहर में काम करते हैं उस ओर निकल चुके हैं, छठ में आए थे। कहाँ काम करते हैं? केरला। केरला काहे यहाँ बिहार में काम नहीं है? काम दम नहीं है, काम सैलरी ज्यादा नहीं देगा। हाँ सैलरी ज्यादा नहीं देता, देता है तमिलनाडु में ज्यादा, वहाँ गोल्ड का काम भी ज्यादा होता है। हाँ यहाँ तो होता नहीं। क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन की सरकार है, उम्मीद है कम से कम यहाँ तो काम कराना शुरू कर दिया कीजिए उसको। हाँ यहाँ फैक्ट्री भी हो जाएगा तो बाहर, हाँ। बिहार का भी बाहर खाएगा। बाहर काम करते हैं, बाहर न जाए अच्छा नहीं लगता। कितना दिन से बाहर में? बाहर में लगभग 3-4 साल से काम कर रहे हैं। आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं? रोजगार नहीं है बिहार में, नहीं है रोजगार। छुट्टी में आते छठ में जा रहे हैं आप जहाँ काम करते हैं? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बुलाते हैं, जा रहे हैं केरला, जा रहे हैं केरला। आप केरला जा रहे हैं अभी? देखिए ये जो ट्रेन है किस कदर बैठे हुए लोग हैं, बाहर काम करते हैं, छठ में आते हैं। अभी छठ में आते हैं जी? कहाँ घर हुआ? वैशाली। वैशाली कहाँ काम करते हैं? तमिलनाडु। कितना साल से? 15-16 साल से। आप बताइए आप भी बाहर काम करते हैं कहाँ? कितना साल से बाहर में काम कर रहे हैं? 2 साल से। शादी हो गया? परिवार संगे जाते हैं? परिवार वहाँ नहीं रहते? क्या कहिएगा, बिहार में रोजगार होनी चाहिए? हाँ बिहार में रोजगार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक बार जोर से बताइए आपको। बिहार में रोजगार चाहिए, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, बिहार में चाहिए क्योंकि हम सब उतना दूर किस लिए जाएंगे? हाँ। जब बिहार में हम सबका हो ही जाएगा हाँ। तो हमको उतना दूर जाने कोई फायदा ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहिएगा आप लोग, बोलिएगा बताइए। हाँ यहाँ पर होना चाहिए काम, सब कुछ जो काम बाहर हम सब जाके करते हैं वहाँ पर लात मुक्का भूसा सब खाना पड़ता है हम सब। अगर यही बिहार में होता कोई किसी को नहीं बोलेगा, अपना धंधा खुद करेगा। बिहार के लोगों को मार खाना पड़ता है, बाहर में सबको मार खाना पड़ता है। तमिलनाडु में क्या मारा नहीं है, बिहार आदमी को सबको मारा है। बिहार में रोजगार मिलता तो हम लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते उतना? क्यों जाते हम लोग बिहार में रोज? बताइए बिहार में रोजगार नहीं है? नीतीश तेजस्वी का रहा सर, रोजगार ही रोजगार है। कम से कम बिहार में कहिए रोजगार नहीं है, रोजगार खोल देने के लिए हम सब उतना दूर नहीं जाएंगे। हाँ बिहार में कहिए खोल देने के लिए हम सब उतना दूर कभी जाएंगे नहीं। हाँ क्योंकि 3-4 दिन का रास्ता सब परिवार को छोड़कर उतना दूर क्या मिलेगा? 4-3 दिन के क्या मिलेगा? परिवार को छोड़कर मैंने रोजगार चाहते हैं बिहार में, बिहार में रोजगार चाहते हैं कि नहीं? बिहार में रोजगार चाहते हैं हम सब, हमको बिहार में रोजगार चाहिए, हम सब बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बस हमको बिहार में चाहिए। चलिए तो देखिए था का महापर्व छठ को लेकर जो यात्री जो लोग घर अपने आए थे अपने परिवार के साथ पर्व में आए थे मनाने पर्व, अब वह जा काम करते हैं उस ओर निकल चुके हैं। जनरल बोगी की तस्वीर थी जहां पर तमाम जो लोग हैं वह बाहर में काम करते हैं और छठ महापर्व में आए थे और वह बाहर जा रहे हैं। हमने बात की उनसे कि क्या बिहार में रोजगार नहीं है, इन्होंने कहा रोजगार रहती तो हम क्या बिहार से बाहर जाते। इनका मानना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार मिलनी चाहिए ताकि हम लोग बाहर ना जाए। आप अपना कमेंट हमारे मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं, कैसा वीडियो लगा, कैसा खबर लगा। तमाम खबर के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।